अल्लाह रब है, वो हमें पाल रहा है, हमा वक्त पाल रहा है। एक भी लम्हे के लिए उसने हमको नहीं छोड़ा है, वो हमा वक्त हमें पाल रहा है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं सूरह जासिया में, सूरह नंबर 45 आयत नंबर 36 में कि फलिल्लाहिल हम्दु, कि सारे की सारी तारीफ अल्लाह के लिए है। रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्द, आसमानों का रब, जमीन का रब, व रब्बिल आलमीन, और तमाम जहानों का पालनहार, तमाम जहानों को पालने वाला। तो अल्लाह बारी ताला हमको किस तरह से परवरिश दे रहा है, हमें गौर करने की ज़रूरत है। उसकी अजमत कैसे नहीं पता चलेगी। और ये जो हम सांस लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, वो कौन प्रोवाइड करता है? ज़ाहिर है अल्लाह। हर मिनट हम 6 लीटर ऑक्सीजन इनहेल कर लेते हैं। कितनी? 6 लीटर हर मिनट में, 6 लीटर ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, अंदर ले लेते हैं। 8,640 लीटर ऑक्सीजन हम एक दिन में हड़प कर जाते हैं। वो हम तक कौन पहुंचा देता है? अल्लाह। और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कम भी नहीं होती, उसके लिए भी उसने निजाम बना दिया है। आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा कि पौधे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, और हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह है। पौधे इसका उल्टा करते हैं, यानी हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेते हैं और हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। पौधों की क्या मजाल थी कि वो हमारे लिए ये काम करें। ये तो हमारे रब ने उनको हुक्म दिया है। और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बिल्कुल कम नहीं होता। किस तरह अल्लाह ताला हमें पाल रहा है, किसके कितने अजीमुशान तरीके से, कितना हिकमत वाला है वो रब।